नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम के नेतृत्व में घोष कंपनी स्थित पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराकर मनाया गया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम ने बताया कि पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। उन्होंने बताया कि आज के दिन ही कांग्रेस पार्टी का 72 प्रतिनिधियों के साथ 1885 में हुआ था, जिसमें दादा नौरोजी सहित तमाम लोग शामिल थे। उस समय के कांग्रेसियों ने देश को आजाद करवाया था और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आए तो देश हित में बहुत कार्य हुआ, अब राजनीति की परिभाषा बदल गई है। इस अवसर पर अनिल सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसकी स्थापना बंबई में गोकुल के अंदर जो है की गई थी। आज देश के अंदर देश की एकता अखंडता को देखते हुए जो पहले का गुजरा हुआ जो वक्त था, आज के वक्त में जमीन और आसमान का फर्क है। कल जो राज सियासत होती थी वो आम आवाम के लिए होती थी, आज जो सियासत लोग कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम ने कहा, बड़े ही हर्ष की बात है, आज हम सब कांग्रेस जनों के लिए, पूरे देश के कांग्रेस जनों के लिए ये आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस जो है 1885 में 72 प्रतिनिधियों के साथ ये इसमें इसको जो है बॉम्बे के अंदर गोकुल दास में मनाया गया था। इसमें जो है दादा नौरोजी और तमाम ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने कांग्रेस को जो है धार दिया था, देश को आज़ाद कराया था, देश के अंदर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का काम किया था। उसके बाद से जो कांग्रेस की सत्ता, हम लोग जब सत्ता के अंदर थे उस वक्त से लेके आज तक, वो पहले का दौर भी याद है। पहले का दौर ये था कि जो लोग सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर थे वो आम आवाम के लिए राजनीति करते थे। आज के सियासत में वर्तमान में 2014 के बाद से जो है जो आज की सियासत 2023 तक की जो सियासत है। मंडल आयुक्त अनिल ढिगरा ने मुख्यमंत्री डैश बोर्ड में प्राप्त रैंकिंग को लेकर मंडल के अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडल आयुक्त अनिल ढिगरा ने कहा कि पिछले माह में तीनों जिलों की स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे देखा गया कि कृषि व राजस्व में सबसे खराब स्थिति है, इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि कुशीनगर विकास की स्थिति ठीक है लेकिन राजस्व में स्थिति ठीक नहीं है। गोरखपुर की थोड़ी ठीक है, महाराजगंज में भी राजस्व की स्थिति ठीक नहीं है और देवरिया की विकास में प्रदेश में सबसे खराब स्थिति है, जिस पर सभी जिलों के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस महीने के अंत तक स्थिति ठीक हो जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी मॉनिटरिंग शासन से भी की जा रही है और शासन से ही रैंकिंग दी जाती है, इसलिए जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर में आपका विकास का अच्छा है लेकिन राजस्व का फिर वही हुआ है, 52 हो गया। प्रणाम सर, हमारा जो आबकारी वसूली है सर, वो मैंने सर एक बार निवेदन किया था, वो बिहार के कारण काफी प्रभावित हो गई, तो उसमें सर हम बहुत खराब स्थिति हो गई, जिसके कारण हमारा रेवेन्यू वाला सर इस कारण गड़बड़ हो गया है सर। अब इस बार इस महीने प्रयास कर रहे हैं सर, इसी चक्कर हमारा आबकारी अधिकारी वो फुटबॉल प्रीमियर लीग के तहत सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के ग्राउंड पर फुटबॉल मैच खेला गया, जिसके संबंध में एसोसिएट प्रोफेसर आमिल एच खान ने बताया कि ये पहली बार स्टेट वैलेंटाइन अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, जो कि लखनऊ, बहराइच, अयोध्या, सैफई, 2 गोरखपुर, 1 कुशीनगर की टीमें भाग ले रही हैं। हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि ये प्रतियोगिता अंडर 19 है, तो उम्र का विशेष ध्यान है, इसमें बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका समापन 31 दिसंबर को होगा और विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
इस संबंध में गोरखपुर नीज से बात करते हुए एसोसिएट के प्रोफेसर आमिल एच खान ने कहा, ये पहली बार अंडर 19 स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट वैलेंटाइन क्लब है हमारी मेडिकल की, उन वही करा रही है। इसमें 8 टीमें आई हैं, एक लखनऊ की है, एक बहराइच की है, एक टीम अयोध्या की है, एक सफाई की है, 2 गोरखपुर की टीम है, एक कुशीनगर की थी। तो इस तरह से 8 टीमें आई हैं और 2 पूल में इनको बांट के खेला जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अंडर 19 है तो उम्र के हिसाब से ही उसी बच्चे ही आए हैं और बच्चों के खेल के को ही बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश एक गोरखपुर फुटबॉल संघ के अंतर्गत किया जा रहा है। हर साल सर ये खेला जाता है? हर साल, ये पहली बार शुरुआत हुई है और हर साल इसको शुरू करने की और जारी रखने की कामना हम लोगों की और हम लोग करेंगे। सर समापन कब होगा? समापन 31 दिसंबर को है और सबसे गुजारिश है 31 दिसंबर को 1 बजे फाइनल होगा। सब लोग आए यहाँ देखें मैच, अंडर 19 की बहुत अच्छी मैच हो रहे हैं। सर क्या प्राइज इन लोगों को दिया जाएगा? सब प्लेयर्स लोगों के लिए कुछ इंडिविजुअल प्राइज हैं, कुछ जैसे फीफा में प्राइजेज होते हैं, विनर रनर ट्रॉफी प्लस गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, इमर्जिंग प्लेयर, इस तरह के हैं। और इंडिविजुअल कुछ कैश प्राइजेज हैं, कुछ चूँकि प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट नहीं है लेकिन कुछ प्रोत्साहन के लिए बच्चों को कुछ कैश भी दिए जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर आमिल हयात खान है, मैं मानसिक रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और हम लोग मेडिकल के अंदर फुटबॉल का क्लब भी चलाते हैं और उसी क्लब के अंदर महापौर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त महोदय गौरव सिंह सोगरवाल के द्वारा बसंतपुर लालडिगी एवं चरगांव ब्लॉक के ठीक बगल में कृषि विद्यालय के पास निर्माणाधीन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान JSNYRO के प्रतिनिधि आलोक मिश्रा ने बताया कि बसंतपुर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन में सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, साथ ही मैकेनिकल सामानों में हाइवा की सारी मशीनरी को स्थापित करा दिया गया है। इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन को स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन के रूप में बनाया गया है। चरगांव में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हेतु बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू करा दिया गया है। नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस ट्रांसफर स्टेशन में जोनल ऑफिस के साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम एवं मीटिंग हॉल का निर्माण भी कराया जाए। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, उप नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी, मुख्य अभियंता संजय चौहान एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, कल महापौर जी के साथ और नगर निगम की पूरी टीम के साथ, जिसमें हमारे प्रभारी अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह जी, चीफ इंजीनियर साहब, सबके साथ गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो गोरखपुर नगर निगम का पहला गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनने जा रहा है बसंतपुर लाल डिग्गी में, उसका निरीक्षण किया गया और आसपास उसको देख कर वहाँ लगता है कि किस तरीके से वो दलदल, एक बहुत ही गंदी शेप में जो जगह थी उसको एक बेहतर तरीके से रूपांतरण कर दिया गया है और बहुत जल्द ही उसका शिलान्यास उद्घाटन के लिए, शिलान्यास का पहले कराया जा चुका था, इसका उद्घाटन के लिए तैयार है। तो एक गोरखपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के लिए। पहले दूसरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो चरगांव में निर्माणाधीन है उसका भी निरीक्षण महापौर जी के द्वारा किया गया और महापौर जी के द्वारा इसमें निर्देशित किया गया कि वहाँ पर जोनल कार्यालय के साथ साथ एक बढ़िया कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण कराया जाए ताकि गोरखपुर नगर निगम के द्वारा किए जाने वाले अभिनव प्रयासों को अन्य जिले भी कॉपी कर सकें, अन्य जिले भी जब आएँ तो एक बढ़िया तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया जा सके। उसके निर्माण कार्य के लिए भी चीफ इंजीनियर साहब को निर्देश दिया गया कि जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य कराते हुए दूसरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन को जल्दी से जल्दी निर्माणाधीन करा दें। इसके साथ साथ शहर की जितने भी पड़ाव केंद्र, चाहे वो हट्टी माता का मंदिर हो, दुर्गावाड़ी का मंदिर हो, लगातार नागरिकों की शिकायत प्राप्त होती है, व्यापारी बंधुओं की शिकायत प्राप्त होती है कि शहर के बीचों बीच पड़ाव को ख़त्म किया जाए। ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन उन पड़ावों को ख़त्म करके गोरखपुर की जनता को बहुत बेहतरीन तरीके से सहूलियत प्रदान करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार गार्बेज फ्री सिटी के तौर पर गोरखपुर की पहचान। अमृत भारत ट्रेन पर CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाने में प्रयासरत है। इसी क्रम में कई नई ट्रेन चलाई जा रही है। अभी गोरखपुर से वंदे भारत को प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था जो कि गोरखपुर से लखनऊ तक जाती है। इसी क्रम में एक नई तकनीक रेलवे ने शुरू की है, उस तकनीक का नाम है पुश पुल तकनीक है। इसके अंतर्गत ट्रेन के दोनों तरफ इंजन लगा होता है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटिव लगा हुआ है और आगे का मॉडल एरोडायनेमिक
बनाया गया है। इसका लुक वंदे भारत ट्रेन के जैसा ही। इस ट्रेन की स्पीड बहुत तेज है, जो कि जल्दी रुकती है और जल्दी चलती है। इससे रुकने और चलने में समय कम लगेगा। इससे बहुत समय से ये ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। ये ट्रेन बहुत तरह की सुविधाओं से लैस है, जो कि बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी ट्रेन में CCTV कैमरा लगाया गया है। इस ट्रेन को अमृत भारत के रूप में चलाया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा, जो कि गोरखपुर होते हुए नरकटियागंज दरभंगा तक जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, भारतीय रेल लगातार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर प्रयासरत है और इस दिशा में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके नई ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं। उनमें से जैसे वंदे भारत चली थी और अभी चल रही है, बहुत ही अच्छी ट्रेन है। आप लोगों ने देखा, गोरखपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने झंडी दिखाई थी, अयोध्या होकर लखनऊ जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नई तकनीक रेलवे ने शुरू करी है, जो लेकर आ रहे हैं। उस तकनीक का नाम है पुशपुल तकनीकी। इसके अंतर्गत जो ट्रेन है हमारे, उसके दोनों तरफ में इंजन लगा होता है, लोकोमोटिव लगे होते हैं। ये जो लोकोमोटिव लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं दोनों तरफ जो लगे हैं। उनका सामने का जो मॉडल है, डिजाइन है, वो एरोडायनेमिक बनाया गया है, जिससे एयर का रेजिस्टेंस उस पर कम रहे। उसका लुक वंदे भारत जैसा है। और ये ट्रेन की खासियत ये है कि ये जल्दी रुकती है, जल्दी चलती है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन और डिसीलरेशन, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग लोकली कहते हैं, गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है। तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है, तो उसे रुकने और चलने में समय कम लगेगा, तो ज़्यादा तेज स्पीड से ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन को पहुँचेगी। तो ये सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस है। जैसे इसमें जो सीट हैं, कुशंस हैं उसके, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिजाइन करी गई हैं। जो टॉयलेट्स हैं इस ट्रेन के कोचेस में, वो बहुत अच्छे बनाए गए हैं। पूरे ट्रेन के सुरक्षा के लिए ट्रेन के अंदर CCTV कैमरा लगाया गया है। इस ट्रेन को अमृत भारत ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। और आप सब लोग भी उस दिन चल के इस ट्रेन का फील ले पाएंगे, देख पाएंगे, और खुद ही आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार से एक अच्छी ट्रेन आम लोगों के लिए बनाकर भारतीय रेल लेकर आई है, जिससे कि सुविधा में बढ़ोतरी होगी, स्पीड बढ़ेगी, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी फास्ट होगा। सर, ये राम नगरी से जोड़ रहा है, और ऐसे में वंदे भारत और इस अमृत भारत में कितना अंतर है, क्या कुछ खास होगा और कितने रैक होंगे इसमें? अभी जैसे आप लोगों को पता है कि वंदे भारत ट्रेन जो है, वो अभी तक जो आई है वो सीटिंग कैपेसिटी वाली ट्रेनें आई हैं, चेयर कार ट्रेनें आई हैं, और स्लीपर का भी बन रहा है। लेकिन ये जो अमृत भारत ट्रेन है, इसमें नॉर्मल कोचेस लगे हुए हैं। जैसे अभी जो पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है, उसमें GS के कोचेस हैं और स्लीपर के कोचेस हैं। तो ये नॉर्मल ट्रेन है, इसमें केवल दोनों तरफ से इंजन लगा के इक्विप्ड किया गया है, जिससे कि इस तेज़ी से चल सके, अपने डेस्टिनेशन पे तेज़ी से पहुंच सके। इंजन रिवर्सल की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि जब भी कोई ट्रेन जाती है, कई बार ऐसी जगहें लोकेशंस हैं जहां पे इंजन रिवर्सल की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अयोध्या से ट्रेन चलती है, तो मनकापुर में आके इंजन रिवर्सल की जरूरत पड़ती है जो भी ट्रेन आती है। तो इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ इंजन है। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि ओवरऑल जो हमारी एफिशिएंसी है ट्रेन चलाने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारी पिट पे जो हम प्लेस करते हैं ट्रेन, वहाँ से प्लेस करना, निकालना, वो आसान होगा। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है, जो संचालन है ट्रेन का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसका फ़ायदा सीधे तौर पे यात्रियों को मिलेगा, जब बढ़ी हुई स्पीड और बेहतर पंक्चुअलिटी के साथ सभी सुविधाओं से युक्त यह ट्रेन चलेगी। मेट्रो की तर्ज पर है ये ट्रेन? नहीं, मेट्रो नहीं कहेंगे इस ट्रेन। जैसे जो हमारा सिस्टम है इंडियन रेलवेज में, कि हम बड़ी ट्रेनें चलाते हैं, लंबी ट्रेनें चलाते हैं, तो फुल कैपेसिटी की ट्रेन है, लेकिन सुविधाएं सभी आधुनिक हैं, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ और तेज़ रफ्तार से चल सके, ऐसी ट्रेन बनाई गई है, जिससे कि यात्रियों को अच्छी से। गोरखपुर के बेलीपार थाना पुलिस टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी। बेलीपार पुलिस ने सनसनीखेज लूट कांड का खुलासा करते हुए सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता के दौरान लूट कांड का खुलासा करते हुए बताया कि 24 दिसंबर को बदमाशों ने लूट कांड के घटना को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच और बेलीपार पुलिस की संयुक्त टीम ने सरगना समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से प्रतिबंध बोर की पिस्टल, कारतूस समेत बाइक और लूटी गई
गई है। 3,65,000 रुपये नकदी बरामद किया गया है। साथ ही बदमाशों के पास से लूटी गई विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सनसनीखेज लूट कांड के शानदार गुड वर्क पर पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इस दौरान SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, SP साउथ जितेंद्र कुमार, CEO बांसगांव अनुराग सिंह सहित गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम मौजूद रही। से पूछा जाता है कि इतनी बड़ी अमाउंट, क्योंकि वो कोई व्यापारी या उस तरह का व्यक्ति नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति थे, इतने बड़ा अमाउंट कहाँ से आया। इनिशियली जो हमारा वादी है जिसके साथ घटना हुई है, डर के कारण से या किन्हीं और कारणों से वो घटना में सारी चीजें सही से नहीं बता पा रहा था, तो जो जो वो बता रहा था उस चीज को वेरीफाई पुलिस के द्वारा किया गया, तो कुछ सूचनाएं उसमें ठीक नहीं मिली। फिर काफी उसको कॉन्फिडेंस दिया गया कि जो घटना आपके साथ हुई है आप बिल्कुल सही सही उस चीज को बताइए। कारण यह है कि जब आप घटना का विवरण देंगे उसी के अनुसार हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देते हैं जो गलत होती है तो उसमें पुलिस का टाइम भी वेस्ट होगा और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है किसी और दिशा में भी जा सकती है। तो काफी कॉन्फिडेंस देने के बाद और काफी समय बीतने के बाद फिर इसके द्वारा बताया गया कि नहीं, एक पर्टिकुलर जगह से मेरे द्वारा ये पैसा जो है वहां से दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए 24 दिसंबर को वर्ष 2023 में एक सूचना शाम के समय पर 8:30-9 बजे के बीच में प्राप्त हुई थी कि बागागाड़ा पुल क्रॉस करने के बाद थाना बेलीपार क्षेत्र में एक 12 लाख रुपए की लूट की घटना हुई है। एक सुजीत यादव नाम के व्यक्ति जो कि कैश लेकर के अपने गाँव की तरफ जा रहे थे, मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा उनको रोका गया और बलपूर्वक उनसे उनका बैग छीन लिया गया जिसमें कि 12 लाख रुपए कैश थे। घटना स्थल का तुरंत जो है मुआयना थाने की टीम SP साउथ साहब और मेरे द्वारा स्वयं किया गया। इसमें SOG और SWAT और सर्विलांस की टीम को तत्काल लगाया गया। जो वादी है उससे गहन पूछताछ में उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई और कहाँ से वो कैश लेकर के चला था, बीच में कहां कहां पर उसके द्वारा रुक करके क्या क्या गतिविधियां की गई, एक शिवम नाम का लड़का जिसके जिसको जो कैश लेकर के चला था उसमें से 3.5 लाख के आसपास उसके द्वारा कैश उसको दिया गया और फिर उसके बाद उसके द्वारा घटना हुई। इसमें जो रूट का जब भ्रमण किया गया, रूट के बारे में जानकारी की गई, तो कहीं ना कहीं जो शिवम है उसके ऊपर शक हुआ, वादी द्वारा भी इस चीज़ को प्रमाणित किया गया। उसकी जब उस दिन की गतिविधियां और सर्विलांस के माध्यम से उसकी एक्टिविटीज को चेक किया गया तो समझ आया कि शिवम द्वारा ही संभवतः इस घटना की सूचना अपराधियों को दी गई है। उससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा इस घटना के बारे में विवरण दिया गया। इसमें टोटल जो घटना करने वाले 6 लोग थे और प्लस 7वां जो शिवम है जिसके द्वारा इसकी टिप ऑफ दी गई है। इसमें से शिवम उपलब्ध 2 लुटेरों को अरेस्ट किया गया है। घटना में लूटे गए 3,65,000 इंडियन करेंसी को बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो वादी द्वारा बाद में बताया गया तो उस बैग में 100 डॉलर के 40 नोट यानी कि $4,000 उसमें थे प्लस 100 यूरो थे, उसको भी लुटेरों के कब्जे से बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो एक मोटरसाइकिल उसमें यूज हुई थी और जो वेपन यूज हुआ था क्योंकि वेपन सटा के ही डरा कर ही उसे लूट की गई थी, वो भी रिकवर हुआ है। बाकी जो और पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वादी की वो रिकवर हुई हैं। इसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थानीय थाना पुलिस का और हमारी SOG SWAT टीम का और सर्विलांस टीम का रहा है और इसी के चलते बहुत ही कम समय में इस बहुत महत्वपूर्ण घटना का खुलासा हुआ है। SP साउथ साहब और SP क्राइम मैडम के नेतृत्व में पूरी टीमों ने काम किया है। इस अच्छे काम के लिए सभी टीमों को 25,000 रुपये का नगर पुरस्कार घोषित किया जाए। जो जो हमारा वादी है उसके द्वारा बताया गया कि उसके बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार निवासी प्रमोद यादव पुत्र बैजनाथ के विरुद्ध मुआस 379/022 धारा 3(1) UP गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट द्वारा 82 CRPC की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर मुनादी की गई है। 1 माह के अंदर हाजिर न होने पर जब्ती कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गाँव कसिहार के प्रमोद यादव पुत्र बैजनाथ यादव के ऊपर थाना बेलीपार से गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया है, जिनके द्वारा न तो माननीय न्यायालय में न ही थाना बेलीपार पे हाजिर हुआ जा रहा है।
इसके सिलसिले माननीय न्यायालय द्वारा 82 CRPC की कार्रवाई की गई है, जिसको इनके घर पे तामिला किया जा रहा है। अगर ये एक महीने के अंदर हाजिर नहीं होंगे तो इनकी घर कुर्क कर ली जाएगी। सुनो 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 ग्रामवासियों सुनो। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, ये थाना बांस गांव पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसमें एक वांछित अभियोग चल रहा है, प्रमोद यादव सनोप बैजनाथ यादव, ये कशिहार थाना बेलीपार का रहने वाला है और विवेचक SO बेलीपार के द्वारा इसकी धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा माननीय न्यायालय से प्राप्त कर उसको नियमानुसार तामील कराया गया है और समाचार पत्र के माध्यम से भी उसका प्रकाशन कराया जा रहा है। और इस पर गोरखपुर में चोरी और दुर्घटना रोकने को लेकर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गंभीरता दिखाई है। ठंड के मद्देनजर चोरी रोकने को लेकर संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण को दिशा निर्देश दिए हैं। इस संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि रात्रि गश्त बढ़ाने को लेकर सभी थानेदारों को निर्देशित किया गया है कि कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों पर भी अंकुश लगाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रात्रि के समय नाइट अफसर हाईवे पर भ्रमशील रहेंगे, साथ ही भारी वाहनों के चालकों पर निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गौरव पुनीत संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, देखिए सर्दी और कोहरे के मौसम को देखते हुए दो तरह की घटनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक तो रात के समय पर जो घरों की चोरियां या अन्य चोरी जो होती है और दूसरा कोहरे की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इन दोनों के लिए लगातार रात्रि के समय पर गश्ती ऑफिसर्स के सुपरविजन में थाना प्रभारी और बाकी फोर्स सड़क पर भ्रमण कर रहा है। रात के समय पर जो भी संदिग्ध व्यक्ति इस तरह के मिल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे ही जो पुराने अपराधी हैं जो इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भारी वाहन सड़क पर रात के समय पर चल रहे हैं उनके चालक की क्या स्थिति है, उसके जो मानक है जो उस व्हीकल को पूरे करने चाहिए क्या वो पूरे हो रहे हैं, किस गति से वो चला रहा है, इसको भी चेक किया जा रहा है। और जहां जहां पर कमियां पाई जा रही है, जहां जहां पर इस तरह के नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है वहां पर उन वाहनों को सीज भी किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो पुराने अपराधी हैं उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। रात के समय पर नाइट ऑफिसर और उनकी एक संयुक्त टीम द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में भ्रमण करते हुए ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। देखिए सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर अधिकतम समय बिताने और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा स्वयं भी चेक किया जा रहा है। विगत कुछ दिनों में कालेश्वर पे जैसे चेक किया गया वहां पर पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी से नदारद हुए थे, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। इसी तरह से बाकी सब जगह पर की जिसकी ड्यूटी जहाँ पर लगी है जिस समय पर लगी है अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे, मुस्तैद रहे और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए। गोरखपुर शहर को जाम मुक्त रखने के लिए SP ट्रैफिक श्याम देवबिंद द्वारा लगातार भ्रमशील रहकर शहर में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने 900 चौराहे पर खुद खड़े होकर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि SP ट्रैफिक श्याम देवबिंद के नेतृत्व में सभी चौराहों पर लगे यातायात पुलिसकर्मी चारों तरफ खड़े होकर बाई लेन से वाहनों का लगातार संचालन कराया जा रहा है, जिसके कारण शहर में कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। साथ ही किसी भी एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहन को भी रुकना नहीं पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा और मेरे द्वारा लगातार शहर का भ्रमण करके ट्रैफिक व्यवस्था को देखा जा रहा है, कहां पर क्या समस्याएं आ रही है इसका अवलोकन किया जा रहा है, कहीं कोई समस्या आ रही है जिसके संबंध में वहां पर उपस्थित जो यातायात के कर्मचारी जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं देख रहे हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। उसी क्रम में आज मैं यहाँ 900 चौराहे पर मौजूद हूँ, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहा हूँ। ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, ट्रैफिक लगातार चल रहा है। हमारे ट्रैफिक PSI और हमारे ट्रैफिक के कर्मचारी इसमें जो है कि लगातार काम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है ट्रैफिक में।
काफी अच्छी व्यवस्था हो गई है यहाँ 900 पर। इस दौरान जो एम्बुलेंस निकल रहे हैं उन्हें किस तरह से सुविधा प्रदान कराई गई? ये एम्बुलेंस को निकलने के लिए बाया लेन लगातार फ्री कराया जा रहा है, बाया लेन से वो एम्बुलेंस निकल जा रहे हैं। उनको जहाँ भी जाना है एम्बुलेंस के आवागमन में कोई समस्या नहीं है। कोई भी इमरजेंसी वाहन है जिसमें मरीज हो या कोई इमरजेंसी वाहन हो वो सब निकाले जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। गोरखपुर में बृहस्पतिवार की सुबह हल्के कोहरे की गिरफ्त में रही। हाईवे पर सभी प्रकार के वाहन लाइट जलाकर चलती नजर आ रही थी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार ठंड लोगों को कुछ अधिक ही सता सकती है, इसके चलते लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब सभी जिलों में तापमान सामान्य से नीचे तापमान देखा जा रहा है, इसके चलते कुछ स्थानों पर कम और कुछ स्थानों पर अभी से औसत ठंड की शुरुआत हो गई है।